नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम SSC GD के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे उसके नेक्स्ट चैप्टर के 11 जनवरी 2023 को जो थर्ड चैप्टर हुई थी उसके मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2022 SSC GD 2022 की जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था उसके सभी 76 चैप्टरों के मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से भाग करें। तो इसका आंसर देखिए क्या करना है, LCM निकालना है किसका, 35 और 42 का। इसको भाग करना है किससे, 32 और 40 के SCF से, 32 और 40 के SCF से। तो 35 और 42 का जो LCM होगा, 35 और 42 का LCM जो होगा, देखिए 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42। तो यहाँ पर 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, 7 कॉमन हो जाएगा तो 6 × 5 = 30 और 7 × 21 यानी 210 बटे इन दोनों का LCM जो आएगा वो कितना आएगा, 8, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में भाग चला जाए इसका, तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए 8 का भाग देंगे किसमें, 221 में, 210 में, तो 8 दूनी 16 बचे 5 50, 8 × 6 = 48 बचे 2, 8 × 2 = 16 फिर 4 बच गए, 8 × 5 = 40 यानी 26.25। तो ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26.250 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है SCF निकालना है इनका, 1020 850 1156 का SCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए 1020 850 1156 इन तीनों का SCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनके कॉमन फैक्टर को लेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर। यहाँ देखिए इन तीनों में किसका भाग जा रहा है, यानी जो कॉमन हो, 2 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 2 का, 5 × 2 = 10 2 × 1 = 2 ये 510 बार। यहाँ पर देखो 4 × 2 = 8 2 × 2 = 4 और ये 2 × 5 = 10 अगले में 5 × 2 = 10 1 बच गया 15 7 × 2 = 14 और ये 8 × 2 = 16 578 बार। अब देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का इन दोनों में चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 3 का भी इसमें नहीं जाएगा। तो आगे कौन सी संख्या इसको देखेंगे, तो ये इसमें क्या है, 17 और 3 17 = 51 तो 3 से जा नहीं रहा तो 17 से देंगे, सब कैसे देंगे 17 से, ये 30 बार, ये 17 × 2 = 34 और 8 बच गए 17 × 5 = 85 यहाँ पर 17 × 3 = 51 17 × 4 = 68 यानी कि ये जो है 17 और 2 ये इन दोनों के अंदर कॉमन है, बाकी 30, 25, 34 अब इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 17 × 2 = 34 तो इसका HCF जो हो जाएगा 2 × 17 = 34 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, यानी किसी भी नंबर का HCF निकालना है तो सिर्फ उनमें कॉमन फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी जो कॉमन आएगा उसी को। नेक्स्ट देखो इस तरीका से भी इसको कर सकते हैं, 1020 850 और 1156 इन दोनों का में तीनों में जो है सबसे कम डिफरेंस किसके अंदर है, क्या सबसे कम डिफरेंस, तो इसके और इसके अंदर सबसे कम डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, तो कितना हो गया इन दोनों के अंदर डिफरेंस, 136। देखिए 156 हो रहा है जिसमें से 20 और घटा देंगे तो 136 डिफरेंस हो रहा है सबसे कम। अब इसको अपन तोड़ें, क्या करें इसको अगर तोड़ें तो ये हो जाएगा 4 × 34 चौंतीस को भी तोड़ेंगे 4 × 2 × 17 अब यहाँ देखो 4 × 2 = 8 यानी कि इसमें जो कॉमन है इनमें 8 का भाग इसमें जाएगा नहीं तो 2 का भाग जाएगा, इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का,
दो का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो एक दो कॉमन हो जाएगा। बाकी फिर देखिए, जो दो तो इसमें आएगा नहीं, तो इसमें जो आएगा वो कॉमन क्या होगा, तो 17 का मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल इसमें केवल एक ही है, 34। तो इस तरीका से भी आप इसको कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष के दौरान मान लो एक्स जनसंख्या थी, उसमें 5% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 5% की वृद्धि के साथ में प्लस वृद्धि हो गई। और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% की कमी हो गई। फिर क्या हो गया? अगली बार दूसरे वर्ष के लिए 4% की कमी हो गई, यहाँ से पहले वर्ष के लिए। तो कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी हो गई, ये दूसरे वर्ष के अंत में, ये पहला साल है और ये दूसरा सेकंड ईयर, इसके अंत में 30,240 हो गई जनसंख्या। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? देखिए क्या पूछा है सवाल में, पहले वर्ष के अंत में, यहाँ शुरू में नहीं पूछा, इस पहले वर्ष के अंत में यानी खत्म होने के बाद में यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ जो जनसंख्या होगी वो कितनी थी? तो ये 5% दे रखा है, इससे इसका अपना कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यहाँ से आ गई ही सवाल दे रखा है। यानी कि 30,240 जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट के बराबर है? क्योंकि यहाँ पर 4% कम होने के बाद में ये बनी है, तो यानी कि ये हो गया कितने, यहाँ 100% हो गई, तो ये 96, कितने हो गए? 96%। तो ये 96% के बराबर है, और ये जो निकालेंगे हम तो 100% हमको निकालनी है। तो ये हो गया 25 चौका 100 और 24 चौका 96, 24 बार कट गया। देखिए इसको 4 से काट दें, 6 बार, और इसको काट से 4 से काटें तो 4 7 28, 2 4 5 20, फिर 2 4 6 24। अब 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये 6 से काटेंगे इसको, तो 6 से काटेंगे तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 56 36, 1260, 1260 × 25 गुना करेंगे तो 0 25 6 150, फिर 0 15 आंसर, 25 दूनी 50 और 15 65 और 25 एकम 25 और 6 31, 31,500 जो है इसकी जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में थी। कितनी थी? 31,500, जिसमें 4% की गिरावट के साथ में दूसरे वर्ष के अंत में जो 30,240 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13% और 19% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? तो यहाँ देखिए दो छूट दे रखी है, डिस्काउंट दे रखे हैं, एक तो है 13%, दूसरा है 19%। यहाँ तक अपने इसमें सक्सेसिव जो लगाते हैं फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 13 + 19 − 13 × 19/100। अब देखो 19 और 13 हो गए 32, माइनस 13 को और 19 को गुना करेंगे, 19 57 आंसर 5, 19 एकम 5 और ये होगा 24। तो दो अक्षरों के बाद में पॉइंट आ जाएगा क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, 2.47 आंसर आ जाएगा इसका। 32 में से 2.47 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 29.53। कितना हो जाएगा? 29.53 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमागत छूट देता है, 25% की दो बार क्रमागत समान छूट देता है और मेज को 2250 रुपये में बेचता है। इस लेनदेन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो मेज है जिसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी क्रय मूल्य 3 है और अंकित मूल्य 4 है। अब देखिए 25% की छूट देगा अंकित मूल्य पर, तो परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज में 100 आता है 25, तो हमको काटने में आसानी रह जाएगी, क्या हो जाएगी? काटने में आसानी। तो हम इन दोनों को 100 से गुना कर दें, क्या कर दें? दोनों को 100 से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो बराबर रहेगा। तो यहाँ हमने 2 जीरो लगा दी,
इधर भी हमने दो जीरो लगा दी, ये बना दी 300 और 400। अब देखिए 400 पर वो 25, ये अंकित मूल्य कितना हो गया 400, अनुपात है 300 और 400, तो इसमें 25% की दो छूट दे रहा है क्रमागत। तो जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा, वो किस तरीका से निकलेगा, देखिए 400 का 25% छूट देगा, तो यानी 75% में बेचेगा और ये 75 में बेचेगा, इनको काटेंगे तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 से 25 बार और 25 से 3 बार। अब देखिए 75 × 3 15 और 7 21 और 1 22, यानी कि 225। विक्रम मूल्य कितना आया 225 और क्रय मूल्य है 300। अब देखो 300 और 225 में अगर कोई वस्तु को, मेज को 300 रुपये में खरीद के और 225 में बेचेगा तो क्या होगा, हानि होगी, सीधी सी बात है। अब हानि कितने रुपए की हो रही है यहाँ पे, 75 रुपये की। कितने रुपए की हानि हो रही है, 75 रुपये की। 75 रुपये की हानि हो रही है जब वो कितने रुपए में बेचे, 225 रुपये में। और हम जबकि यहाँ पे ये तो है रेशियो के हिसाब से, वाकई में जो बेच रहा है वो किस हिसाब, कितने रुपये में बेच रहा है, वो बेच रहा है 2250 रुपये में। कितने रुपये में बेच रहा है, 2250 रुपये में। तो देखिए इससे काटेंगे तो 10 यानी 10 बार, तो ये हो जाएगा कितना, 750 रुपये की आनी होगी इसके लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्ला 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की आनी पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 750 रुपये में उसने खरीदा, 8% की आनी पर बेचा, कितने पर बेचा, 8% की आनी पर, तो बटे 100 बेच रहा है हानि पर, 8% यानी कि कितने कम हो गया, 92% यहाँ निकालेंगे इसको। तो देखिए 25 से काटेंगे तो 4 बार और 25 × 75 30 बार, 4 से काटेंगे तो 23 बार, 23 ये हो गया कितनी बार, 23 बार, 23 × 69 एक जीरो लगा देंगे 690 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नकद भुगतान करने वाले को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। 7200 रुपये की अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नकद में कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए कोई जैकेट है जिसका रेट कितना है, 7200 रुपये। अब यहाँ क्या कह रहा है सवाल, दुकानदार कह रहा है कि इस पर 20% का डिस्काउंट है, ग्राहक कहता है कि थोड़ा और कम करो, तो दुकानदार क्या कहता है कि अगर आप कैश दे रहे हो तो आपके लिए 5% कम और कर देंगे। तो देखिए उस पर दो बार छूट दे रहा है, एक बार तो दे रहा है 20% की, यानी कि 20% कम करेगा तो कितने बेचेगा, 80 में 80/100, 4/5। अगला है कि 5% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 95 में 95/100, 19/5 95 और 20/5 100, ये इस तरीका से हो जाएगा। अब देखो 20/5 100, 20 से 20 ये कट गई। अब ये जो ऊपर वाला आएगा 72 × 4 × 19, इसको जब सॉल्व करोगे आप, देखिए यहाँ क्या करेंगे हम इकाई अंक से देखेंगे, 4 × 8 = 8, 8 × 72 इकाई अंक आएगा 2, तो ये दो ऑप्शन तो इस तरीका से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनमें इकाई अंक 2 नहीं है, बाकी इन दोनों में से कोई आंसर होगा। कैलकुलेशन को कम करने के लिए आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, बाकी तो आप इसको गुणा करके भी कर सकते हो। और आगे क्या करेंगे फिर देखिए, आगे करेंगे हम इसको, यहाँ पर जो है 8 × 72 कितना हो जाएगा, 8 × 72, या तो 19 से चेक कर लीजिए या फिर 9 से चेक कर लीजिए, तो 9 का इजी रहेगा। तो यहाँ देखो 7 और 2 9, 9, अब ये जो 6 है 6 में 9 का भाग जाएगा नहीं, तो इसमें भाग पूरे में नहीं, 6 9 का नहीं जाएगा, तो ये डिवाइड होगी नहीं उस संख्या से, यानी ये जो इसका गुना करेंगे तो ये संख्या नहीं आ सकती। यहाँ देखो 5 4 9 7 2 9, ये जो है ये संख्या ये 9 से डिवाइड है, इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका मल्टीपल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5472, 5472 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 रुपये कितने वर्षों में 21,600 रुपये हो जाएंगे, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। तो यहाँ देखो 20 ये कह रहा है, कितना दे रखा है मूलधन दे रखा है 12,500, जबकि जो ब्याज दे रखा है मिश्रधन कितना दे रखा है 21,600, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे,
दो जीरो से दो जीरो कटेंगे तो ये हो गया 216 बटे 125। ब्याज कितना दे रखा है 20%, तो 100 पर 20% बढ़ेगा यानी 120। विसर्जन कितना होगा 120, 5 और 6, तो 5 और 6 की जो पावर में आएंगे कितने होगा, देखो ये हो जाएगा 6 और ये 5। अभी देखो 5 की पावर 3 हो रहा है और यहाँ पर 6 की पावर 3 का मतलब 216। तो ये जो 3 घात आई हैं ये ही क्या है, ये टाइम है यानी 3 साल। कितने साल? 3 साल। अगर यहाँ पर वार्षिक की जगह अर्धवार्षिक होता तो कितना हो जाता, ये टाइम स्लॉट होता है यानी कितनी बार, तो ये हो जाता 3 का 1.5। कितना हो जाता? 3 का 1.5 वर्ष हो जाता। यहाँ पर वार्षिक रूप है तो 3 वर्ष हो जाएगा ये जो घात आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साधारण वृद्धि दर से के तहत एक शहर की जनसंख्या पी इकाई है, 10 वर्ष में पी की 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या 2 गुनी पी की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ देखो किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, पी है, और ये जो है 10 वर्ष में कितना टाइम ले रही है, 10 वर्ष में 2 गुनी 1.5 गुनी हो गई, 1.5 पी 10 वर्ष के अंदर। अब यहाँ से इसको होना है कितना, 2 पी 10 वर्ष में 1.5 पी हो रही है, तो कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ा, और यहाँ कितना बढ़ा, पूरा 1 बढ़ गया। तो 0.5 में बढ़ने में 10 वर्ष लग रहे हैं, तो पूरा 1 बढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे, सीधी सी बात है कितने वर्ष लगेंगे, दोगुना हो रहा है, 20 वर्ष लगेंगे, क्योंकि ये क्या है, साधारण वृद्धि दर है। क्या है? साधारण वृद्धि दर है, साधारण ब्याज की तरह ही इसका होगा, ये वही इस तरीका से यही सवाल, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है उस तरीका से। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25%, गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, मैथ की पुस्तक है उनका कितना, 25% जो है, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, फिजिक्स की जो पुस्तक है उनके 2/3 के बराबर है, मैथ की पुस्तकों का 25% जो है फिजिक्स की बुक्स के 2/3 के बराबर है। तो पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करना है तो एम को इधर रहने दीजिए, पी को इधर ले आइए, बाकी को दूसरी साइड ले जाएंगे, 2/3 गुना ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे यहीं काट दें 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 8/3 यानी कि 8:3 हो जाएगा मैथ और फिजिक्स का, 8:3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 और 25 के बीच का मध्यानुपाती, कोई भी संख्या का मध्यानुपात निकालते हैं, ए और बी के बीच का मध्यानुपाती यानी कि, तो एक्स जब निकालेंगे मध्यानुपात निकालेंगे तो रूट ए बी इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 25, 9 का रूट 3 और 25 का रूट 5, 3 × 5 बराबर कितना आ गया, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 और 27 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, तो मध्यानुपात ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर रूट ए बी। अब ए बी क्या है, ये दोनों है नंबर है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3 × 27, 27 + 81 और 81 का रूट कितना आएगा, 9, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि यानी 14 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक है तो टोटल कितने हैं, 15, यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है, शिक्षक की आयु कितनी हो गई। तो यहाँ देखिए, टोटल जो आयु है इनकी औसत आयु वो कितनी है, 20 वर्ष, टीचर की आयु की बात की जा रही है यहाँ पर, टीचर की आयु तो 20, अब 20 वर्ष जो है वो हटेगा, तो 20 वर्ष उसका औसत एवरेज जो है वो तो 20 वर्ष हटेगा ही हटेगा, लेकिन वो जो बाकी बचेंगे उनके औसत में क्या करता है, 1.5 वर्ष की कमी हो जाती है उनके हटने पर, तो एक आदमी पर 1.5 वर्ष की कमी हो रही है, तो बाकी जो आदमी है कितने, 14, कितने आदमी है, 14 आदमी, इन पर कितने की कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20+, क्योंकि 20 तो उसका खुद का, और इन पर जो कमी हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि वो उसके साथ में उनकी उम्र में से ही निकल गए, तो इसलिए इनमें कमी हुई है, 14 को 1.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 20 और 21 41 वर्ष, कितनी हो गई, 41 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और रमेश इसी काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है। भानु जो है, भानु कितना लेता है? 10 दिन। रमेश जो है वो इस काम को करने में 12 दिन लेता है। आगे क्या कह रहा है कि भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। तो रोहित, रमेश और रोहित को एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा? रमेश और रोहित को, तो यहां देखिए इन दोनों का एलसीएम यानी कि टोटल काम कितना आ जाएगा? 12 का 12 पंजे 60 एलसीएम हो गया। 10 6 60 और 12 पंजे 60, ये इनकी दोनों की एफिशिएंसी हो गई। कितनी हो गई? 6 और 5। आगे कह रहा है कि रमेश और भानु इन दोनों की जो एफिशिएंसी यानी इन दोनों का जो लिया गया समय है उसके बराबर ही रोहित समय लेता है। भानु प्लस रमेश, ये दोनों जितना टाइम लगाएंगे इनके बराबर ही टाइम लगाएगा कौन? रोहित। इनका रेशियो कहें अपन कि टाइम का जो रेशियो है वो, अगर ये दोनों 1 घंटा लगा रहे हैं तो ये भी 1 घंटा ही लगाएगा, इनका रेशियो ये रहेगा। तो देखिए जो टाइम का रेशियो होता है, एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है, वो क्या होगा? उनका उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी। तो ये भी 1:1, लेकिन बराबर रहेगा क्योंकि बराबर है, तो इनके ये हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, लिए गए समय के बराबर है, तो रमेश और रोहित को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए ये तो हो गई रेशियो वाली बात, लेकिन एफिशिएंसी जो है वो बराबर होगी 1:1 में। तो रमेश और भानु की दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई? 11। जब 11 इन दोनों की है तो रोहित की भी कितनी होगी? 11 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि रोहित की भी एफिशिएंसी कितनी होगी? 11। लेकिन सवाल आगे कह रहा है कि रमेश और रोहित को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा? रमेश और रोहित, यहां देखिए टोटल काम है कितना? 60। और रमेश और रोहित दोनों की एफिशिएंसी की अगर बात की जाए, रमेश और रोहित दोनों की एफिशिएंसी की बात की जाए, तो रमेश, ये तो हो गई रोहित की 11 और ये हो गई रमेश की 5। तो 11 और 5 16, कितने हो गए? 16। इसको जब काटेंगे हम तो 4 से 15 चौका 60 और 4 चौका 16, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 3 बच गए और ये हो गया 3 सही 3/4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एक कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है। एस जो है कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 50 दिनों में पूरा कर रहा है। टी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। टी जो है उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। एम उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एम जो है उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एस सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकता है। एस क्या कर सकता है? सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकता है। टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंगल को छोड़ेगा, गुरु को छोड़ेगा, केवल 3 दिन कार्य कर सकता है। जबकि एम जो है वो केवल शनिवार और रविवार को कार्य कर सकता है। तो कार्य सोमवार को आरंभ किया जाता है और यह कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा? तो सबसे पहले तो इनका दोनों का, तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। 3 4 और 5, 3 चौके 12 12 5 60, ये हो जाएगा इसका कितना? 600 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 50 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बढ़ गया? 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और ये हो जाएगा 20 बार। ये इतनी बार इसमें भाग चला जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई? 12 15 और 20। आगे जो सवाल कह रहा है कि एस के सभी दिनों में कार्य कर सकता है, तो एस हमेशा साथ रहेगा। एस क्या करेगा? एस हमेशा साथ रहेगा। जबकि टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, तो ये केवल कितने दिन करेगा? 3 दिन कार्य करेगा सप्ताह में। जबकि एम जो है क्या हो गया? शनिवार और रविवार को कार्य करेगा, तो ये जो है केवल 2 दिन कार्य करेगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, इनका तीनों का 1 सप्ताह में किया गया कार्य निकालेंगे। 1 सप्ताह में जो
एस है वो 12 दिन मतलब 12 एफिशिएंट से काम करता है, एक दिन में 12 करता है, तो एस कितना करेगा, 12 गुना 7 पूरे सप्ताह में 7 से गुना कर देंगे। इसी प्रकार टी जो है 15 काम करता है एक दिन में, और वो कितने दिन काम करेगा, 3 दिन। इसी प्रकार जो एम है वो 20 काम करता है एक दिन में, तो वो 2 दिन काम करेगा। तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरे एक सप्ताह का, कितने का, एक सप्ताह का काम हो जाएगा। यहाँ देखो 12 से 84 प्लस 15 तिया 45 प्लस 20 दूनी के 40, 40 और 40 80 85 और 84, यानी कि 169 कितने हो गए, 169। एक सप्ताह के अंदर ये 169 काम करेगा, जबकि हमको टोटल काम कितने करने हैं, 600। कितने काम करने हैं, 600। तो यहाँ देखो इसमें कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है, अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा, 600 काम करवाने हैं, 169 काम एक सप्ताह में कर रहा है, तो कितने सप्ताह लगेंगे, ये देखिए 600 में भाग देंगे हम। अगर 1 मिनट के लिए हम इसको क्या करें, 170 मारे बाने, तो 170 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार 17 51, यानी कि ये 3 बार इसमें जाएगा, 3 सप्ताह तो क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे हो जाएंगे 3 सप्ताह। कितना काम होगा देखिए 3 सप्ताह में, इसको कर लेते हैं 3 से गुना, तो 9 तिया 27 और 16 तिया 48 और 2 50, यानी कि 507 काम होगा। कितना हो जाएगा, 3 बार 507 काम। तो यहाँ देखिए 3 सप्ताह में सिर्फ 507 काम कर पाएगा, और 4 सप्ताह में तो इससे ज़्यादा हो रहे हैं, 4 सप्ताह में ज़्यादा हो रहे हैं, यानी 3 से ज़्यादा सप्ताह में समय लगेगा और 4 सप्ताह से कम समय लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 से 4 सप्ताह के बीच इसको टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। इन तीनों अगर काम करें इस तरीका से तो इनको ऑप्शन नंबर बी यानी 3 से 4 सप्ताह के बीच काम में समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रानी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है तो 200 मीटर की दौड़ दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। दूरी कितनी है, 200 मीटर, चाल जो है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन इसको क्या है, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना करेंगे, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। ये देखो इसको हम गुना करेंगे तो ये 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15 और 3 से 18, ये होगा 5 25, दोनों काटे 25 8 200, और ये 6 ऊपर जाएगा, 6 कहाँ जाएगा, ऊपर, 8 गुना 6, 8 6 48, 48 सेकंड इसको 200 मीटर दूरी तय करने में टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो अमन की औसत चाल क्या है, 15 किलोमीटर की दूरी में 3 घंटे, औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो टोटल दूरी कितनी हो रही है, 15 और 20 35, कितनी हो गई, 35। एवरेज स्पीड अगर निकाली जाए अपन की, तो इसके टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, टाइम कितना है, 3 2 5 बराबर 5 7 35, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनकी रही है औसत एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर 3:30 3:30 एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, यदि चोरी का पता 4 बजे पर चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर पर स्पीड की चाल से पीछा करता है, वह चोर को कब पकड़ लेगा। तो देखिए 3:30 बजे चोर चोरी करता है, कितने बजे कर रहा है, 3:30 बजे, यहाँ से चोर कार को उठाता है, कार को उठाने के बाद में यहाँ से चलता है कितने, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को भगाता है, और 4 बजे मालिक को पता चलता है, कितने बजे मालिक को पता चलता है, 4 बजे, यानी कि आधे घंटे बाद में 4 बजे मालिक को पता चलता है। तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा आधे घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी चोर तय कर चुका होगा आधे घंटे में, जब तक मालिक को पता चला, तब तक मालिक को जैसे ही पता चला, मालिक यहाँ से दूसरी कार उठा करके इनका पीछा करता है 4 बजे से, तो यह इधर स्पीड से आगे कोर चोर और पीछे मालिक, यहाँ से 4 बजे के बाद में
कितनी स्पीड से भग रहा है मालिक, जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी कार से। अब देखिए जो इन्होंने चोर जो है वो 40 किलोमीटर आगे है, तो दूरी कितनी हो गई, जो 40 किलोमीटर आगे है उसी को तो इसको कवर करना है, तभी तो पकड़ में आएगा। तो 40 किलोमीटर दूरी को यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो यहाँ पर सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल निकालेंगे तो एक अगर दिशा में हो, दिशा समान हो तो दूरी वो सॉरी चाल घट जाती है एक दूसरे में से, तो 90 में से 10 घटेंगे, 80 घटेंगे तो 10 बचेंगे, कितने बचेंगे 10। तो इसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 10 चौका 40, यानी 4 घंटे इस पकड़ने में लगेंगे। चोर को पकड़ने में 4 घंटे लग गए, कब से लगे, मालिक कब से चलना स्टार्ट किया, 4 बजे से, तो 4 बजे से 4 घंटे तो यानी कि 8 PM हो जाएगा, 4 बजे से प्लस में 4 आवर और जोड़ देंगे तो 8 PM पर उनको पकड़ पाएंगे, चोर को पकड़ पाएगा मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है अपने पाई आर एल। अब यहाँ पर अपन मान रखा है, ये कितना दे रखा है अपने लिए, दे रखा है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुना, यहाँ पर क्या दे रखा है, आर दे रखे 7 सेंटीमीटर, तो एल हमें निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे इसको 550, 7 से 7 कट गया और ये 11 से काटें इसको, तो 11 × 22 और 11×55, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, एल बराबर हो गया कितना 25 सेंटीमीटर, आर बराबर है अपना कितना, आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या है कि शंकु दिया हुआ है इस तरीके से, शंकु, अब शंकु में ये तो हो गई तिर्यक लंबाई 25, ये हो गई रेडियस त्रिज्या कितनी 7, और ये जो हाइट होगी h ये निकालनी है, तो यहाँ क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, 25 और 7 का ट्रिपलेट जो होगा वो कितना होगा, यहाँ h निकालेंगे तो ये 24 हो जाएगा, कितना होगा 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये जो है हाइट वो कितनी निकल जाएगी 24। अब देखिए हमको निकालना है इसका क्या आयतन क्या होगा, तो आयतन का जो सूत्र होता है ये अपने होता है 1/3 πr² h, 1/3 πr² h, इसमें हम मान रखेंगे तो 1/3 22/7, r 7 है तो स्क्वायर कर देंगे, h कितना है 24, 1/7 से 1/7 कट गया, 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार। अब यहाँ देखिए इस पूरे को कैलकुलेशन करने के बजाय आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, इस तरीका से 7, 8, 56 और 6×12, ऑप्शन में इकाई अंक 2 आएगा, क्या आएगा इकाई अंक 2 आएगा, तो इन दो तो ऑप्शन हो नहीं सकते। बाकी फिर देखिए इसमें क्या है, 22×7×8, अब ये 8 का मल्टीपल होगा, तो देख लीजिए 8 का भाग किस में जा रहा है, इस संख्या में भाग जा रहा है क्या, 8×32, लेकिन इसमें आगे भाग नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भाग जा रहा है क्या, 8×16, लास्ट के 3 अंकों में भाग दे के देखते हैं हम 8 का भाग के लिए, वाचकता के लिए, तो 8×16 बच्चे कितने 7, 8×9 72, तो इसमें भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1232 cm³ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है और 15 रुपये प्रति cm² की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर पाई का मान क्या लेना है, 22/7 में प्रयोग करना है। यहाँ देखिए ये एक अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला, अर्धगोले का कौन सा भाग हमें रंगना है, अर्धगोले का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसे रंगना है अंदर से, इसे अंदर से रंगना है, अंदर से रंगने का जो खर्चा आएगा वो क्या होगा, इस तरीका से इसमें सवाल में पूछा गया है। तो अंदर का जो है ये कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा अंदर का, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है
टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर। जबकि अगर पूरे गोले की बात की जाए, गोले का, तो गोले का होता है थ्री पाई आर स्क्वायर, थ्री पाई आर स्क्वायर गोले का होता है। अब देखिए रंगने वाला भाग जो है वो कौन सा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अंदर का, तो इसमें अपन मान रखें दो गुना बाईस बटे सात। यहाँ पर देखिए आर कितना है, यहाँ दे रखा ब्यास चौदह, तो आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सात गुना सात, एक सात से सात बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, बाईस दुनिया के चौवालीस गुना सात। इसको हम गुना करें तो कितना हो जाएगा, सात चौका अट्ठाईस, सात चौका अट्ठाईस और दो तीस, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खर्चा पूछा है, रंगने का खर्चा तो कितना हो जाएगा, एक सेंटीमीटर यानी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर वो खर्चा है 15, तो इसके कितने का कितना हो जाएगा, तो 308, ये तो एरिया हो गया, इसको 15 से गुना करेंगे तो 15 अट्ठे 120, जीरो हासिल एक बच गई, 15 तीया 45 और एक 46, तो 4620 जो है इसका क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, लागत आ जाएगी। तो ये थे आपके थर्ड चैप्टर में पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था 20वां। देखिए अगर आपको वास्तव में पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और देखिए आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, जिससे कि एक अलग ही एनर्जी के साथ में आपको नए सीरीज शुरू कर सकें, नए वीडियो ला सकें। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें।